में प्रतिबंधित सुपारी के खिलाफ आए दिन कार्रवाई की जा रही है। इसी श्रृंखला में क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने प्रतिबंधित सुपारी के खिलाफ कार्रवाई की, जिस दौरान उन्होंने तहसील पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गोडाउन पर छापा मारा, जहां उन्होंने लगभग 9 लाख का माल जब्त किया। वहीं लखनगंज पुलिस थाना अंतर्गत एक पान ठेले पर छापा मारकर कुल 4.5 किलो की प्रतिबंधित सुपारी जब्त की। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप रायनावार ने अधिक जानकारी साझा की। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच यूनिट 3 को गुप्त जानकारी मिली थी कि तहसील पुलिस थाना और लखनगंज पुलिस थाना अंतर्गत प्रतिबंधित सुपारी की बिक्री हो रही है, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने तहसील पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले एक गोडाउन पर छापा मारा, जहां उन्होंने प्रतिबंधित सुपारी का कम से कम 9 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। वहीं जब उन्होंने लखनगंज पुलिस थाना अंतर्गत एक पान ठेले में छापा मारा, तो वहां से उन्होंने कुल 4.5 किलो की प्रतिबंधित सुपारी जब्त की। गुन्हे शाखा युनिट 3 पथकास काल पोलीस स्टेशन तहसील आणि पोलीस स्टेशन लखनगंज हद्दीमध्ये प्रतिबंधित असलेली सुगंधी तंबाखू साठा करून ठेवला असल्याची व ती विक्री होत असल्याची माहिती मिळाली होती। या माहितीच्या आधारावर गुन्हे शाखेने दोन ठिकाणी कारवाई केलेली आहे। पहिली कारवाई पोलीस स्टेशन तहसीलच्या हद्दीमध्ये केली असून त्याच्यामध्ये एका गोडाऊनमध्ये आम्हाला प्रतिबंधित असलेली सुगंधित तंबाखू एकूण किंमत 980,000 इतका मुद्देमाल मिळून आलेला आहे। आणि त्याच पद्धतीने पोलीस स्टेशन लखडगंज हद्दीमध्ये एका पान विक्रीच्या दुकानामध्ये आम्हाला 4.5 किलो सुगंधित तंबाखू मिळून आलेली होती, त्याची किंमत 2,500 रुपये आहे। ह्या दोन्ही ठिकाणी आम्ही FBI च्या अधिकाऱ्यांना बोलवलेलं होतं, त्यांनी पंचनामा करून गुन्हे दाखल केलेले आहेत आणि याच्यामध्ये दोन आरोपींना अटक केलेली आहे। पोलीस स्टेशन तहसीलमध्ये अटक केलेल्या आरोपीचं नाव कैलास सारडा असं असून पोलीस स्टेशन लखडगंजमध्ये अटक केलेल्या आरोपीचं नाव सुहास मांडवगडे असं आहे। पुलिस ने इस दौरान आरोपी कैलाश और सुभाष मांडवदे नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।